केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कम्युनिस्ट पार्टी पर जमकर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने बेगूसराय में औद्योगिक नगरी, रिफाइनरी या फर्टिलाइजर को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि देवना में लगे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में भी पार्टी ने अपना झंडा लगाकर फैक्ट्री को बंद करवाने का काम किया है। और आज सिर्फ हमारी लड़ाई विकास को लेकर है। नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार बिहार को लेकर हम लोग काफी मजबूती से काम कर रहे हैं। यहाँ बैठे गठबंधन के नेता लड़ेंगे, कार्यकर्ता लड़ेगा बूथों पर, पीछे भी कार्यकर्ता ने ही लड़ा है। ये लड़ाई ये देश में टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी देश में बेगूसराय को, श्री बाबू के कृति को अगर किसी ने बर्बाद करने की कोशिश की तो कम्युनिस्ट पार्टी ने की। ठीक ही कहा, केवल फर्टिलाइजर फैक्ट्री नहीं बल्कि दौना इंडस्ट्रियल एरिया को भी तबाह और बर्बाद करने का काम कम्युनिस्ट ने ही किया। और आज हमारी लड़ाई केवल विकास 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 होगा। नीतीश कुमार की सरकार, मोदी जी की सरकार के द्वारा किए गए कामों का होगा। लोग भूल चुके हैं, लोग 2005 के पहले की सरकारों के जनरल राज को भूल चुके हैं। परिवारवाद भी आएगा, जनरल राज भी आएगा। क्या स्थिति थी पहले, 5 के बाद लोगों ने भूल गया, कंपेयर करने लगा 10 के बाद 15 में किरान, 15 के बाद 20 में, इससे कंपेयर करने लगा। लेकिन लोगों को याद दिलाना होगा कि अगर कम्युनिस्ट का मतलब है क्या जाकर के आज नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। और ये लड़ाई 80-20 की लड़ाई होगी, 20% बनाम 80% की लड़ाई होगी। मैं पूरे मनोयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ यहाँ बैठे नेताओं को, एनडीए के संयोजक को, जिन्होंने आज इसके बाद एनडीए की बैठक भी रखेंगे, आज प्रेस वार्ता रखा, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं मित्रों, लड़ाई यहाँ बैठे गठबंधन के नेता लड़ेंगे, कार्यकर्ता लड़ेगा बूथों पर, पीछे भी कार्यकर्ता ने ही लड़ा है। धनबाद और गिरिडीह का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक, यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन, 512 स्लाइस, कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरगंडा गिरिडीह, बैंक मोड़ और सराय थेला, धनबाद।